Good morning, students. Welcome to our e learning classes. My name is Ronak Jain from Joy and Campion School, Sagar. Today we will study class 3rd Science. Chapter number 8 Air and Water, which means Hava or Pani. Air. Air is all around but us, but we cannot see it. वी कैन ओनली फील इट वेन इट मूव जो हवा है वो हमारे चारों तरफ होती है पर हम उसे देख नहीं पाते हम सिर्फ हवा को फील कर सकते हैं महसूस कर सकते हैं जब वो यहां से वहां मूव करती है वॉट इज एयर कंटेन एयर में क्या क्या होता है सो एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेज लाइक ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन जो एयर है वो थ्री गैसेस का मिक्सचर है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड हम ऑक्सीजन को अंदर इन्हेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सहेल करते हैं प्लांट्स यूज दिस कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एनिमल्स आल्सो नीड ऑक्सीजन टू लिव और हमारी जो एक्सेल की हुई कार्बन डाइऑक्साइड है जो हम बाहर निकालते हैं प्लांट्स उसको यूज करते हैं अपना खाना बनाने में और एनिमल्स को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है लिव करने के लिए सरवाइव करने के लिए सी दिस डायग्राम इस डायग्राम में पूरा एयर का जो कंटेंट्स है वो बताए गए हैं कि इतना पार्ट ऑक्सीजन है इतना पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस हैं और मोस्ट ऑफ द पार्ट मीन्स सेवेंटी फाइव परसेंट नाइट्रोजन है एयर कंटेन्स वाटर वेपर एयर जो है उसमें वाटर वेपर होते हैं मीन्स वाटर के जो ड्रॉपलेट्स हैं गैशियस फॉर्म में जो वाटर है वो एयर में प्रेजेंट होता है यह हमें कैसे पता चलता है जब हम ठंडे पानी के ग्लास को बाहर रखते हैं टेबल पर तो हम देखते हैं कि पानी की कुछ ड्रॉप्स बाहर आ जाती है ग्लास के बाहर साइड तो ये वाटर एयर से आता है यहाँ हमें पता चलता है कि एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं जो कि कूल्स डाउन होते हैं जब वो ठंडे होते हैं तो वापस से वाटर बन जाते हैं और फिर ड्रॉप्स के फॉर्म में हमें ग्लास के बाहर दिखाई देते हैं एयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं जब हम स्कूल जाते हैं स्कूल के पहले जब हम अपनी बाइसिकल देखते हैं तो उस पर कुछ डर्ट जमी हुई होती है क्यों क्योंकि एयर में डस्ट होती है तो इसलिए हम कुछ भी अगर बाहर रखते हैं और उस पर जो डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं जो धूल आ जाती है वो एयर की वजह से आती है एयर ऑल्सो कंटेन्स जर्म्स एयर में जर्म्स भी होते हैं दीज जर्म्स कैन कॉज डिसीज़ेज और इन जर्म्स से हमें बीमारियां हो सकती हैं इसीलिए हमें हमेशा बाथ लेना चाहिए रोज़ नहाना चाहिए और अपने हैंड्स को भी वॉश करना चाहिए प्रॉपरली खाना खाने से पहले एयर ऑल्सो कंटेन्स स्मोक एयर में स्मोक भी प्रेजेंट होता है धुआं भी प्रेजेंट होता है क्योंकि जो व्हीकल्स फैक्ट्रीज़ फायर्स कभी आग लगती है जो व्हीकल चलते हैं उनका जो स्मोक होता है ये सारा एयर में जाके मिक्स हो जाता है और जिससे एयर पॉल्यूशन क्रिएट होता है और हमें बीमार भी बना सकता है ये सी डीज पिक्चर्स इनमें ये जो स्मोक है ये एयर के साथ मिलके हम इनहेल कर लेते हैं और हमें फिर बीमारियाँ हो जाती हैं नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाटर जैसे हवा हमें ज़रूरी है वैसे ही पानी भी हमारी बेसिक नेसेसिटी है हमारी डेली लाइफ में हमें पानी की भी ज़रूरत होती है ह्यूमन बींग्स प्लांट्स एनिमल्स इन सबको अपनी जो एवरी डे की एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है नेक्स्ट टॉपिक स्टेट्स ऑफ वाटर पानी की जो स्टेट्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम वाटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स पानी जो है वो तीन स्टेट्स में होता है एक तो सॉलिड दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस तो जो आइस है जो बर्फ होती है वो सॉलिड फॉर्म है वाटर का और लिक्विड जो वाटर हम ड्रिंक करते हैं ये वाला वाटर ये लिक्विड है और स्टीम जो स्टीम होती है जो भाप होती है वो गैशियस फॉर्म है पानी का दीज स्टेट्स आर इंटरचेंजेबल इंटरचेंजेबल का मतलब होता है इनको अगर हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं तो हम इन्हें दोबारा से दूसरे फॉर्म से पहले फॉर्म में फिर से रीचेंज कर सकते हैं तो इसको इंटरचेंजेबल बोलते हैं जैसे हम अगर आइस क्यूब्स से उनको बाहर निकाल कर टेबल पर रख दें तो वो मेल्ट करना स्टार्ट हो जाएगी वो पिघलना स्टार्ट होगी और फिर दोबारा से वाटर में बन जाएगी और उसी वाटर को अगर हम फिर से ट्रे में रख के फ्रीज में रख दें फ्रीज़र में तो उसके दोबारा से हमें आइस क्यूब मिल जाएंगे तो ये होती है इंटरचेंजेबल प्रोसेस और जब हम पैन में पानी बॉईल करते हैं जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उसमें स्टीम आती है ऊपर भाप निकलना शुरू होती है और हम जब पैन को प्लेट से कवर कर देते हैं तो वो स्टीम ऊपर जाते जाते जब ठंडी होती है और फिर उस पर हमें वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखते हैं तो इसका मतलब है कि जो स्टीम है वो जब ठंडी हो जाती है तो दोबारा से वाटर में चेंज हो जाती है दिस प्रूव दैट वाटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अदर इससे हमें पता चलता है ये चीज़ ये प्रूव करती है कि पानी को हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं आइस चेंजेस टू वाटर जो बर्फ है वो पानी में चेंज होती है पानी जो है वो भाप में चेंज होता है भाप जो है वो पानी में चेंज होती है और फिर पानी को हम दोबारा से बर्फ के फॉर्म में उसको दोबारा से रिसीव कर लेंगे नाउ वाटर साइकिल दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू बहुत ध्यान से समझिएगा वॉट इज वाटर साइकिल जैसे मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया कि जो पानी की स्टेट्स है वो आपस में चेंज हो जाती है वैसे ही वाटर की साइकिल भी होती है जिससे कि अर्थ पे जो पानी है वो ऊपर स्काई में जाता है और फिर स्काई से वापस आता है द सन हीट्स ऑफ द वॉटर प्रजेंट इन वाटर बॉडीज लाइक लेक्स रिवर्स सीज एंड ओशियंस जो पानी लेक्स में रिवर्स में सीज में मीन्स तालाबों में नदियों में और जो समुद्र हैं उनमें पानी जो प्रजेंट होता है वो सन उनको हीट करता है दिस वाटर स्टार्ट चेंजिंग इन टू वाटर वेपर्स और ये जो पानी है जो सन की वजह से हीट हो रहा है वो वाटर वेपर के फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है और फिर उड़ के ऊपर एटमॉस्फेयर में चला जाता है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एवापोरेशन और फिर एटमॉस्फेयर में जाके ये जो वाटर वेपर है ये ठंडे हो जाते हैं और टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स मीन्स छोटे छोटे से पानी के ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन और फिर यही वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो एक साथ कंबाइन होके क्लाउड्स का फॉर्म ले लेते हैं मीन्स बादल बन जाते हैं और फिर इन बादलों में जब बहुत ज़्यादा वाटर के ड्रॉपलेट्स स्टोर हो जाते हैं और वो हैवी बन जाते हैं बादल और वो इससे ज़्यादा पानी को नहीं होल्ड कर पाते तो फिर वो फॉल डाउन हो जाते हैं मीन्स उसमें से जो पानी है वो रेन के फॉर्म में हेल के फॉर्म में स्लीट और स्नो किसी भी फॉर्म में बारिश के फॉर्म में बर्फ के फॉर्म में वापस से नीचे फॉल डाउन होने लगता है इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन द वॉटर साइकिल इज द जर्नी ऑफ वाटर दैट सर्क्यूलेट्स फ्रॉम द अर्थ टू द स्काई एंड बैक अगेन जो वाटर साइकिल है वो पानी की जर्नी है जो सर्क्यूलेट होती है मीन्स चलती रहती है अर्थ से स्काई में जाती है स्काई से फिर वापस अर्थ पे आती है फिर सन हीट करता है और वापस से ये प्रोसेस चलती रहती है सीधे डायग्राम इस डायग्राम में ये जो वाटर है यहाँ का ये एवापोरेशन एवोपोरेशन की प्रोसेस से ऊपर जाएगा ऊपर जाके ये टाइनी ड्रॉपलेट्स का एक क्लाउड बनाएगा जिसे हम कंडेंसेशन बोलते हैं और इस कंडेंसेशन से ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है उनको एक साथ कंबाइन करके क्लाउड्स के हैवी क्लाउड्स के फॉर्म में बन जाएगा और फिर ये प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में रेन के फॉर्म में या फिर स्नो के फॉर्म में जो वाटर है वो वापस अर्थ पे आ जाएगा और फिर अर्थ से यही वाटर वापस से यहाँ पे जाके ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहेगी दिस इज द वाटर साइकिल सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर एट एयर एंड वाटर। इन अवर नेक्स्ट क्लास वी विल डू द एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स। एंड यू हैव टू राइट दीज वर्ड मीनिंग्स इन योर सी डब्ल्यू कॉपी Thank you.